welcome to your channel on this special day of International Yog Divas पे आपका स्वागत है. धन्यवाद धन्यवाद दिशा. और इंटीग्रेटेड मेडिसिन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रोग अनुसार योग हम करते ही हैं. योग दिवस के दिन सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूं और हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया की धरातल पे पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया. जो योग भारत की निरंतरता रही थी उसको एक प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए मुहिम के तहत ये किया गया. हमें बड़ी खुशी है और मैं बहुत आभारी हूं प्रधानमंत्री का, क्योंकि योग हम सिर्फ रिक्रिएशन के लिए नहीं, मरीजों को ठीक करने के लिए यूज करते हैं. इसलिए योग दिवस के दिन हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम सहज योग जो हर लोग अपने घर पे करने ही चाहिए. अगर ये करेंगे तो ऐसा हम दावा नहीं करते हैं कि आपको कोई रोग नहीं होगा, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो कोई रोग नहीं होगा. और अगर आपको कोई डिजीज है तो वो आप धीरे धीरे क्योर की तरफ बढ़ते जाएंगे, डिजीज का प्रहार कम कम होता रहेगा. तो एक नॉर्मल योग जो हर इंसान को जो ये देख रहा है उसको करना चाहिए, ऐसा सहज योग आज हम बताने भी जा रहे हैं और दिशा जी दिखाने भी जा रही हैं कि कैसे करना है, ताकि फिर हमारे पास कोई बहाना ना रहे कि हमने सिर्फ प्रोग्राम देखा लेकिन क्या योग करना है ये तो पता नहीं है. तो वो भी आपको दिखा रहे हैं और हमारे चैनल पे एक सहज योग कैसे किया जाए, क्या क्या किया जाए, कितनी देर किया जाए, ये सारा कुछ, और उससे क्या क्या बीमारियां ठीक होंगी हम बीच बीच में बोलते भी रहेंगे और दिशा जी दिखाती भी रहेंगे. और इससे सबका लाभ होगा. जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग शेयर करना चाहते हैं वो जरूर शेयर करें. सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने जरूर भूल गए होंगे सब्सक्राइब करना. आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए. ये लोगों के हित में है, इसमें कहीं कोई कॉमर्स कहीं कोई ये नहीं है, ये लोगों के लिए. जी जी दिशा जी. सो सर, हम स्टार्ट करेंगे नेक मूवमेंट से. हम नेक से शुरू करते हुए लोअर बॉडी की तरफ मूव करेंगे. सारे जॉइंट्स को वार्म अप करना और ये सब हम इंक्लूड करेंगे, जो कि हमें डेली बेसिस पे करना ही चाहिए जितना. तो मतलब पहला चीज स्ट्रेचिंग एंड जॉइंट मूवमेंट, ताकि ये जॉइंट्स जो हमें पूरा मूव करते हैं वो जाग जाएं और जागृति की अवस्था में आ जाएं. तो अभी हम डेमोंस्ट्रेबल वे में इसको देखेंगे भी कि ये कैसे करना है और हम करते भी रहेंगे. जी जी दिशा जी, दिखाइए. जी सर. सबसे पहले जितने जॉइंट्स हमें मूव करते हैं वहां से शुरू करके आप देखिए गर्दन कैसे मूव हो रही है. ये सांस लेते हुए आप बिल्कुल साइड में जाएंगे राइट या लेफ्ट, और सांस छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे, ताकि सांसों से आप उसको कोरिलेट कर पाए और उसको ठीक से आप उस जॉइंट को मूव कर पाए. इसको मेडिकल जार्गन में एटलांटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं. जो अभी जैसे ना हम करते हैं वैसे मूव होता है, इसको एटलांटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं. जी. और ये भी वो जॉइंट का एक हिंज जॉइंट, हिंज जैसे ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, वो जॉइंट का मूवमेंट है. ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकल के एक छोटे से स्कल में होल होता है जिसके चलते वर्टिब्रे के बीच में जाता है वो. तो उस पे जोर ना पड़े और उस पे कहीं दबाव ना पड़े, इसलिए ये किया जाता है.
अब आप पूरा का पूरा सर भी घुमाएंगे तो आप देखेंगे जब आप सर घुमाएंगे आंख खोल के घुमाना चाहिए ताकि जो कॉकलिया है कॉकलिया का भी साथ साथ एक्सरसाइज हो। आप देखेंगे वो घुमाने के बाद आप आंख सामने रखेंगे लेकिन सर घूमता रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कॉकलिया। और उसको भी डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करके स्थिति में लाना जरूरी है। ये गर्दन का हुआ। अब आप रिस्ट, अब आप सबसे पहले फिंगर जॉइंट्स पे आ जाइए। फिंगर जॉइंट्स, आप फिंगर्स मूव करेंगे और फिंगर्स मूव करके आप कुछ रख भी सकते हैं हाथ के बीच में, इसको प्रेस कर सकते हैं, बिना कुछ रखे भी मूव कर सकते हैं। अब फिंगर्स ये कम से कम 5 बार करना चाहिए और इसके बाद आप रिस्ट पे आ जाएंगे। रिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, क्लॉकवाइज भी 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज भी 5 बार, ताकि रिस्ट आपका फ्री हो, जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम है ये सब चीजें ना हो। अब आप एल्बो जॉइंट पे आ जाएंगे। एल्बो जॉइंट भी आपको 5 बार मूव करना है और 5 बार आपको मूव करना है राइट लेफ्ट दोनों, और ताकि एल्बो जॉइंट चूंकि टिपिकल हिंज जॉइंट है तो ये मूव करना कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब आप शोल्डर पे आ जाएंगे और शोल्डर को गोल गोल ये घुमाएंगे जैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। कई बार जो फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम वहां पर मूवमेंट नहीं करते हैं, हम यूं मूवमेंट कर सकते हैं जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ताकि शोल्डर के प्रॉब्लम्स आपके जाएं। जिन लोगों को जॉइंट डिजीजेस हैं उनको भी ये करना जरूरी है ताकि शोल्डर की मोबिलिटी बनी रहे, ब्लड सप्लाई बना रहे और जॉइंट स्पेसेस में ब्लड सप्लाई ठीक हो, जॉइंट स्पेसेस ठीक हो, ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद आप देखिए आप चेस्ट खोल रहे हैं, दैट मींस स्टर्नम एंड स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कैसे खोलना है आप ये देख पा रहे हैं। तो हर एक जॉइंट कैसे मूव कर रहा है ये आपको दिख भी रहा है और आपको ऐसा करना भी चाहिए। जी बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे जो हमारे वर्टिब्रे और डिस्क हैं उनको भी थोड़ा सा घुमाना जरूरी है। आप देखिए कैसे घूम रहे हैं, वर्टिब्रे डिस्क दोनों घूम रहे हैं, अभी लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, अब राइट साइड में जाएंगे तो आप वो भी घूम रहे हैं। प्लस ऐसे बैठे बैठे मैं दिशा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे देखें ताकि पूरा ट्विस्ट हो जाए स्पाइन। आप अगर पीछे देखेंगे तो पूरा स्पाइन ट्विस्ट हो जाएगा। कॉस्टो ट्रांसवर्स जंक्शंस और ये जितने वर्टिब्रे हैं और डिस्क हैं सब में एक टॉर्शन आएगा और कॉस्टो ट्रांसवर्स जंक्शंस भी ठीक से एक्सरसाइज होंगे, ठीक से वहां पे ब्लड सप्लाई आएगा। तो आप ये देखेंगे ये स्पाइन का ट्विस्ट है। ये वैसे खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। बैठ के करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, खड़े होके बड़े आराम से किया जा सकता है जिन लोगों का स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है। जी जी अब हम पेल्विस पे आ जाएंगे। पेल्विस आप देखिए पेल्विस को चारों तरफ घुमाना है, क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। ये हम सभी जॉइंट्स को हिप्स को खोल रहे हैं, अपने ग्लूटियल मसल्स को एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और हिप्स को खोल रहे हैं। हिप्स को खोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से पेल्विक प्रॉब्लम्स, पीसीओडीज और प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स जो मेल्स को होते हैं, पीसीओडीज जो फीमेल्स को होते हैं, यूट्रस के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सभी प्रिवेंट होंगे। इसके बाद पेल्विस के बाद हम नीज पे आएंगे। नीज को भी ऐसे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको ये घुमाएंगे
अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब हम एंकल जॉइंट पे आएंगे और एंकल जॉइंट को भी 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, पहले ऊपर नीचे फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज जी। अब फिंगर्स को भी मूव करेंगे, ग्रेट टो से लिटिल टो तक सभी फिंगर्स को मूव करेंगे। आप देखेंगे सभी जॉइंट्स हम कोशिश कर रहे हैं मूव करने का, उनको खोलने का, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ाने का। अब ये लेफ्ट पैर का जैसे राइट का कर रहे थे वैसे, और जब आप ये कर रहे हैं आप देखिए एक पैर पे आप अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन को भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड को भी साथ साथ आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। जी तो अब आप ये देखेंगे एक आसन है पवन मुख। अब ये लैटरल मूवमेंट ऑफ द हिप जॉइंट, इसका लैटरल मूवमेंट कितना फैसिलिटेट हो रहा है, कितना इजीली हो पा रहा है, और ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, ये भी हिप जॉइंट के ही मूवमेंट्स हैं। तो ये लेफ्ट में भी करना है फिर राइट पैर में भी करना है ताकि वो सारे के सारे जॉइंट्स मूव करें। जी बहुत बढ़िया। आप देखिए ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं तो चाहूंगा आप डाउनलोड करके और लोगों को ये भेजें ताकि एग्जैक्टली कैसे करना है। दिशा जी योगिनी है, ये कितना एग्जैक्ट वे में कर रही है जैसे करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। अब ये पेल्विक फ्लोर को, पेल्विक फ्लोर का भी एक्सरसाइज है ये, प्लस जो अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हिप जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है फीमर का, उसका ये एक्सरसाइज है, प्लस जो मसल्स उसको बांध के रखते हैं उनका भी एक्सरसाइज है। इसको बटरफ्लाई ये बोलते हैं, जिन लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब आप देखिए ये हिप का मूवमेंट आप ऊपर करके ये नीचे कर रहे हैं, ये मसल्स को भी मूव कर रहे हैं और आप पूरा का पूरा हिप जॉइंट को भी आप मूव कर रहे हैं और मसल्स को और फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। अब वही लेफ्ट में रिपीट करेंगे सेम चीज। जी अब लेट के स्पाइन को अब ये लेफ्ट में कर रही हैं। अब इसके बाद लेट के एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के स्पाइन को मूव करेंगे लेफ्ट और राइट। पैर को सीधा कर लीजिए, पैर को बिल्कुल सीधा कर लें और एक पैर एक अंगूठे के ऊपर दूसरा हील रखे आप, एक पैर के अंगूठे पे दूसरा हील रखे जी। और अब आप अगर लेफ्ट टर्न करेंगे तो पूरा का पूरा स्पाइन मूव करेगा और राइट टर्न करेंगे तो भी पूरा स्पाइन मूव करेगा जी। जी तो ये स्पाइन पे आपका मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट ऑफ द स्पाइन में ये काफी काम आएगा। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज है, जिनको स्पाइन में बहुत पेन भी रहता है, वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे जॉइंट्स आपके खुल रहे हैं जी। अब ये पवन मुक्त आसन है, पवन मुक्त मुक्त आसन में एक तो इंटेस्टिन्स को भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंटेस्टिन्स के साथ साथ आप देखेंगे पवन मुक्त आसन में स्टेबल रहने के बाद आप देखिए ये रॉकिंग मूवमेंट है। आप रॉकिंग मूवमेंट इसलिए कर रहे हैं कि स्पाइन में अगर कोई डिस्क का प्रॉब्लम है तो डिस्क अगर बाहर निकल रहा है तो आपके सारे मसल्स मिलके उस डिस्क को अंदर पुश भी कर देंगे और सारा कुछ ठीक होगा ये।
जी ये भी पेल्विस नी और स्पाइन विथ शोल्डर्स ये सब का एक साथ आप देखिए, आप कैसे पेल्विस को भी खोल रहे हैं, शोल्डर्स को भी खोल रहे हैं, नी जॉइंट्स पे भी प्रेशर डाल रहे हैं, और जिन लोगों को नी का प्रॉब्लम है उनको भी ये चीज करना ही चाहिए। और अब दीवार पे पैर को ऊपर रख के जिन लोगों को पेल्विस का प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है, बेकर सिस्ट का प्रॉब्लम है या हर्निया का प्रॉब्लम है, वो ऐसा ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस, एंटी ग्रेविटी ये सारे पोस्चर्स आसन जो हैं वो आप अगर करेंगे उसमें काफी फायदा होगा। अब मैं दिशा जी को रिक्वेस्ट करूंगा मत्स्यासन में आने के लिए। ये एक डिफिकल्ट आसन है जो सबको नहीं रेकमेंडेड है, लेकिन जो लोग योग में थोड़े पारंगत हैं वो ये कर सकते हैं। ये हठ योग का पार्ट है और सहज योग में हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि कई लोग तो कई बार पैर फोल्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो ये है कि पेट के बल लेट जाएं, दिशा जी पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों से अपने एंकल्स को, वैसे तो टोज के पास पकड़ना चाहिए लेकिन आप एंकल तक पकड़ सकते हैं क्योंकि आपकी आपका हाथ शायद उतना दूर तक ना पहुंचे, तो टोज तक पकड़ के भी इसको मत्स्यासन ये कहते हैं। आप देखिए आपके नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, आपका पूरा का पूरा स्पाइन, आपका पेल्विक जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स और नेक के जितने इंटर वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं सभी का एक साथ सामूहिक रूप से उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ता है इससे। और ये आप भुजंग आसन में आप देखिए शोल्डर का, नेक का, एंड सिर्फ नेक का ही नहीं, अब हम फेस का भी करेंगे। माँ काली का जैसे पोज है आप अगर वैसे वो कर लेंगे तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट से लेके जितना इमोवेबल जॉइंट्स हैं स्कल के, प्लस जो मसल्स वहां पे अटैच्ड हैं सारे के सारे उसपे उसमें टर्जिडिटी आ जाती है और वो बिल्कुल टर्जिड हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई वहां का बढ़ जाता है। और स्पेशली जिन लोगों को टीएम जॉइंट का प्रॉब्लम है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का, उनको ये काली माँ वाला पॉस्चर जरूर करना चाहिए। ये सभी मसल्स को भी एक्सरसाइज में लेके आते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे कि वो कैसे किया जाएगा। आप देखिए अब फेस के मसल्स को कैसे एक्सरसाइज करेंगे, ये सारा का सारा पूरा फेस, पूरा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होगा। ये जो पॉस्चर है इस पॉस्चर में आप देखिए एंकल जॉइंट से लेके नी जॉइंट, पेल्विक जॉइंट, पूरा का पूरा स्पाइन और वेगल स्टिमुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें होना शुरू हो जाएगा जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे। मलासन
तो ये मल आसन है, और मल आसन में आप आइए बैठ के पूरा का पूरा पेल्विस को, जिन लोगों का प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है, पीसीओडीज है, उनको इस आसन में बैठना ही चाहिए। ज्यादा देर बैठने के लिए एक ये गर्म पानी का ग्लास ले लें और सिप सिप करके पूरा ग्लास जब तक खत्म ना करें, इस आसन से ना उठें, जहां तक आप बैठ सकें जरूर बैठें। तो ये रहा पूरे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं सबका बहुत बढ़िया से इसको सुबह सुबह खोलना। ये आपको आपका दिन शुरू कर देगा और आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे, सब में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा और आप पूरे एक्सरसाइज और ज्यादा योग के लिए प्रेरित भी हो जाएंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को बीमारियां हैं, जैसे जॉइंट के प्रॉब्लम्स हैं, वो जहां तक कर पाए वहीं तक करें, अपने आप को फोर्स ना करें, क्योंकि कई चीजें जिनको आदत नहीं होती है उनको कई चीजें नहीं भी करनी चाहिए या धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए। तो ये था एक सहज योग और डेमोन्स्ट्रेशन आज योग दिवस के दिन, हमारा थर्ड आई का कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। धन्यवाद दिशा जी, और आप बहुत अच्छा, आप एक योगिनी हैं और आपने बहुत अच्छे से ये सारा कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया, इसके लिए आपको प्रणाम और धन्यवाद।